हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव बंगोली में जुबैर निवासी वेट सिंभावली को चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया और एक साथी मौके से फरार हुआ। गाजियाबाद सिहानी गेट पुलिस पीछा करते हुए आ रही थी और उन्होंने 100 नंबर पर फोन किया, जिसके बाद कमल सिंह नगेंद्र व केहर सिंह ने गाड़ी का पीछा किया। बदमाश बंगोली गांव के जंगल में पहुंचकर गाड़ी छोड़कर फरार होने लगे। वहीं गांव के लोगों ने व पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। आरोपी जुबैर को सिहानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक साथी फरार हो गया। जी, और हम अपने यहाँ बक्सर रेगुलेटर का जो पॉइंट है इस पे खड़े थे। जी, तो जो है इधर से क्राइम ब्रांच की गाड़ी थी गाजियाबाद की। जी जी, और एक गाड़ी जो है इधर बड्डा पुल से आ रही थी डस्टर दिल्ली नंबर, हमें कोई जानकारी नहीं। तो वो जो है क्राइम ब्रांच की गाड़ी को देख कर उन्होंने गाड़ी बैक करी और वे क्राइम ब्रांच वाले उतर के आए कि इसमें बदमाश है गाड़ी में। हम भी सतर्क हुए, हम भी सतर्क हुए और वे हमारी गाड़ी में बैठ गए क्योंकि उनकी गाड़ी मुड़ने में थोड़ा टाइम लगा, मुड़ नहीं पाई थी। तो जो है फिर हमने उनका पीछा किया तो वे जो है बड्डा पुल पार करते हुए 8-9 किलोमीटर हमने पीछा किया उनका। हाँ, बड्डा पुल जो है उससे पार करके कौन से गाँव में, ये बंगोली में उन्होंने जो है बंगोली गांव, ये जो है इधर मुरादपुर से और इधर मुरादपुर वाले रास्ते जी से जी। और हाजीपुर से फिर बंगोली वाले रास्ते से निकले। बंगोली हमारी गाड़ी इनके पीछे पीछे थी जी। और बंगोली वाले रास्ते से थोड़ा सा बाहर निकल के होटल वगैरह हमारा सायरन बज रहा था तो सुन के जो है वो भाग गई गाड़ी छोड़कर जी जी, खेतों में घुस गए। गाड़ी वहीं खड़ी, कितने लोग थे सर वो? दो लोग थे। और उसमें से जो है इक्खो में एक थी, वहीं पास में टावर था उस पर चढ़ उड़ के देखा सबने। गांव का सहयोग भी मिला आपको? एक आदमी गांव का सहयोग मिला, थाने की पुलिस भी पहुंची थी, थाने की पुलिस भी थी और एसओजी की टीम तो थी वो जी। और जो है एक में वो था एक पब्लिक के सहयोग से और हमने आपस में ढूंढ के वो अरेस्ट कर लिया, एक अरेस्ट कर लिया और गाड़ी एक नहीं मिल पाया, एक नहीं मिल पाया।